आप सभी का टेक फॉर सपोर्ट चैनल पर स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि फोटोशॉप के अंदर हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ कैसे करते हैं। तो इस टूल्स को समझने के लिए फ्रेंड्स, मैंने दो इमेजेस ऑलरेडी फोटोशॉप में इंसर्ट करके रखा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हीलिंग ब्रश टूल जो है वो सेम टू सेम जो है वो क्लोन स्टाम्प टूल के जैसा ही काम करता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था इसका यूज़। जो वीडियो नहीं देखे होंगे वो जाके आप लोग देख सकते हैं। क्लोन स्टाम्प टूल में क्या होता था फ्रेंड, कि मुझे अल्ट दबा के सेलेक्ट करना होता था माउस का लेफ्ट क्लिक से, और मैं कोई नेचर का इमेजेस में वो इमेज को डाल सकता था लेफ्ट क्लिक को ऐड कर दबा के रखने पे और रब करने पे वहाँ पे वो इमेज आ जाता था। उसी तरह से फ्रेंड, हीलिंग ब्रश टूल का भी यूज सेम टू सेम वही है, बट इसमें अंतर सिर्फ इतना ही है फ्रेंड कि हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करके अगर यदि आप ये प्रोसेस करते हैं तो ये इमेज जो एज ए टीज जो यहाँ जैसा दिख रहा था वैसा ही यहाँ पे आ गया है। लेकिन हीलिंग ब्रश टूल के केस में ऐसा नहीं है फ्रेंड, उसमें ब्लरिंग इफेक्ट आ जाता है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने अल्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया और मैं उसे रब करके यहाँ पे ऐड करूँगा, यहीं पे ऐड करता हूँ। ये ब्रश थोड़ा छोटा हो गया फ्रेंड, मुझे बड़ा कर लेना चाहिए था। मैंने रफ कर करके उस इमेज को यहाँ पे ऐड किया। अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैं जैसे क्रशर को छोड़ा, हम माउस का लेफ्ट क्लिक को छोड़ा, वहाँ पे थोड़ा ब्लरिंग इफेक्ट आ गया। तो बस दोनों टूल सेम है फ्रेंड्स, स्टाम्प क्लोन स्टाम्प टूल और हीलिंग ब्रश टूल, बट अंतर सिर्फ यही है जो मैंने आपको बताया कि हीलिंग ब्रश टूल में ब्लरिंग इफेक्ट आता है और क्लोन स्टाम्प टूल में ब्लरिंग इफेक्ट नहीं आता है। जैसे कि मैं आपको एक यूज़ करके यहीं पे दिखाता हूँ। और दबा के मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल अल्ट दबा के मैंने सेलेक्ट किया, क्रशर को बड़ा किया। अब तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा ब्लरिंग इफेक्ट आया, ये देखिए ब्लरिंग इफेक्ट आया। लेकिन अगर मैं क्लोन स्टाम्प टूल का यूज़ करूँ फ्रेंड्स, तो अल्ट दबा के मैंने यहाँ पे किया, जैसा कहता है ऐसा आपको दिखेगा फ्रेंड्स। इसमें कोई भी चेंजिंग, ये दोनों इमेजेस में कोई भी चेंजिंग नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों इमेजेस में फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसमें ब्लरिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। तो बस यही दोनों, ये दोनों टूल्स में बस यही अंतर है, बाकी काम दोनों का सेम है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिए और बने रहिए हमारे साथ चैनल के साथ। थैंक यू।